वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो पॉलिटी के लाइव सेशन के साथ मैं प्रशांत सर आपके साथ फिर से आ चुका हूं। जैसा कि आप लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था हमारे साथ मिलकर कि प्रीएम्बल क्या क्या है, और प्रीएम्बल में एक बंदा जिसका सबसे बड़ा रोल हम लोगों ने देखा था उसका नाम था पंडित ठाकुरदास भार्गव जी। तो पंडित ठाकुरदास भार्गव ने प्रीएम्बल के बारे में कई सारे बातें बताई थी, जैसे कि प्रीएम्बल इज द की ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, याद होगा आप लोगों को। इसके अलावा भी पंडित ठाकुरदास भार्गव जी ने कई सारी बातें बताई थी जो प्रीएम्बल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, जो लोग वेट कर रहे थे सबसे पहले तो उनको वेरी गुड मॉर्निंग कि आप लोग वेट कर रहे थे, और जो लोग लेट हो जाते हैं क्लास में, मैंने कई बार बताया है लेट प्लीज मत हुआ कीजिए, समय से रहिए, मैं भी समय से रहता हूँ और क्लास को समय से ही बढ़ाऊंगा, ठीक है। तो चलिए, लास्ट क्लास आपको याद होगा कि हम लोगों ने खत्म कर लिया था प्रीएम्बल पर आकर, मतलब हम लोगों ने जितना भी इथिकल बैकग्राउंड, पॉलिटिकल बैकग्राउंड और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था वो सब समझ लिया है, सारे कॉन्सेप्ट को समझ लिया है कि सॉवरनिटी क्या होता है, डेमोक्रेटिक क्या होता है, सोशलिस्ट क्या होता है, ये सारे चीजों को समझ लिया है। अपना अभी का जो क्लास है बाबू, वो क्लास जुड़ेगा कहां से? वो क्लास जुड़ने वाला है शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब भारतीय संविधान में कितने शेड्यूल हैं और उन शेड्यूल में क्या क्या बातें बताई गई हैं, इन चीजों को आपको देखना पड़ेगा। तो तीन चीजें पहले मैं आपको बताना चाहूंगा जो आपको जानना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहला चीज कि अपने संविधान में तीन चीजें देखने को मिलती है। सबसे पहले क्या मिलती है? तो आर्टिकल मिलता है जिसको आप अनुच्छेद कहते हैं, फिर मिलता है आपको शेड्यूल मिलता है, उसके बाद आपको क्या मिल जाता है? उसके बाद आपको मिल जाता है पार्ट। तो तीन भागों में बेसिकली हमारा संविधान जो है वो टूटा हुआ है, आर्टिकल है, शेड्यूल है और पार्ट है। अभी चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं इन चीजों को जिनका नाम है शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो बाबू, अपने संविधान में कई सारे शेड्यूल हैं, मेरा सवाल आप लोगों से डायरेक्ट है कि कितने शेड्यूल हैं अपने संविधान में, जल्दी सा बताइए। अपने संविधान में कितने शेड्यूल हैं ये आप लोग जल्दी से बताइए कि इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हाउ मच शेड्यूल, बताइए जल्दी सा। तो चलिए शुरुआत करते हैं जब तक हम अपने शेड्यूल के साथ। अपने संविधान का जो पहला शेड्यूल है वो पहला शेड्यूल किसके बारे में बात करता है? तो जो पहला शेड्यूल है वो आर्टिकल 1-4 के बारे में बात करता है, और आर्टिकल 1-4 में किसकी चर्चा की गई है? स्टेट एंड यूटी, स्टेट और यूनियन टेरिटोरी की बात की गई। तो सीधी सी बात है कि पहला शेड्यूल जो है वो केवल और केवल किसकी बात करेगा? स्टेट और यूनियन टेरिटोरी की बात करेगा, चाहे वो राज्य का निर्माण कैसे हो या राज्य में किस तरीके से काम किया जाए, बीपीएससी का चेयरमैन कैसे अपॉइंट किया जाए, राज्य का जो क्षेत्रफल है उसे कैसे बढ़ाया जाए, कैसे घटाया जाए, नया राज्य का निर्माण कैसे किया जाए। तो ये सारी बातें जो है वो फर्स्ट शेड्यूल में दी गई है। बाबू, जो अपना सेकेंड शेड्यूल है वो सेकेंड शेड्यूल जुड़ा हुआ है इमोलुमेंट एंड अलाउंसेस से, मतलब भारत के राष्ट्रपति को कितना तनख्वाह मिलना चाहिए, प्रधानमंत्री को कितना तनख्वाह मिलेगा, गवर्नर को कितना मिलेगा, सीएम को कितना मिलेगा। तो दूसरा शेड्यूल जो है वो किस पे बात करता है? तो दूसरा शेड्यूल बात करता है इमोलुमेंट एंड अलाउंसेस से। याद रखना है कि तनख्वाह की बात दूसरा शेड्यूल करता है। तो पहला शेड्यूल बात करता है राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की, दूसरा जो शेड्यूल है वो बात करता है
है इमोलुमेंट एंड एलवाइंसेस ऑफ किसकी किसकी, गवर्नर की, प्रेसिडेंट की, स्पीकर की, इतने लोगों की अलाउंसेस की बात करता है, द जजेस की, तो जितने भी अलाउंसेस हो गए हैं, जो भी पेमेंट हो गया, जो भी वेतन हो गया, उसके बारे में डिस्कशन करता है आपका शेड्यूल टू। आइए बात करते हैं कि शेड्यूल थर्ड किसकी किसकी बातें करता है। तो शेड्यूल थर्ड भी जो है बहुत सारे चीजों की बात करता है, जैसे कि शेड्यूल थर्ड में आप पाओगे कि शेड्यूल थर्ड बात करता है ओथ्स और अफर्मेशन की, कि यूनियन मिनिस्टर कैसे शपथ लेगा, राष्ट्रपति का शपथ किस प्रकार से होगा, मुख्यमंत्री का शपथ कैसे होगा, तो किसका शपथ किस तरीके से होगा, इसके लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, इसके लिए आपको देखना पड़ेगा थर्ड शेड्यूल। और थर्ड शेड्यूल किसके बारे में बात करता है, ओथ एंड अफर्मेशन का। तो याद करते चलना है, पहला शेड्यूल किसकी चर्चा कर रहा था, स्टेट एंड यूनियन टेरिटोरी, दूसरा शेड्यूल किसकी चर्चा कर रहा था, इमोलुमेंट एंड अलाउंसेस ऑफ द डिफरेंट पोस्ट पर्सन, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सीजेआई, लोकसभा, राज्यसभा, और तीसरा शेड्यूल किसकी बात करता है, तो शपथ की बात करता है कि कौन किस तरह का शपथ लेगा। जो चौथा शेड्यूल है बाबू, चौथा शेड्यूल में क्या बात किया गया है, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा, कितने राज्य को कितने सीट दिए जाएंगे, वो बातें की गई है किसमें, शेड्यूल फोर में, ठीक है। तो जो चौथा शेड्यूल है वो किसकी बात करता है, चौथा शेड्यूल बेसिकली बात करता है कि राज्यसभा में सीटों का बंटवारा किस प्रकार से किया जाएगा अलग अलग राज्यों का। पांचवा शेड्यूल जो है वो किस तरह की बातें करता है, पांचवा शेड्यूल जो है वो बात करता है एडमिनिस्ट्रेशन का, कि किस तरीके से शेड्यूल ट्राइब्स और शेड्यूल एरियाज को रेगुलेट किया जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटेड किया जाएगा। तो मैंने आपको बताया है कि आदिवासी जनजाति या जन जनजाति, ये जितने भी लोग होते हैं ना, इन लोगों के लिए एक रिजर्व्ड और प्रोटेक्टेड एरिया होती है, और इस प्रोटेक्टेड एरिया को किस शेड्यूल में रखा गया है, फिफ्थ शेड्यूल। जो लोग हमारे करेंट अफेयर के क्लास को शुरू से कर रहे होंगे, उनको पता होगा कि जो शेड्यूल फाइव है, उसी से बाहर निकलने के लिए अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी ने एक कमिटी का चयन किया है, जो कमिटी है बताएगी कि अरुणाचल प्रदेश के कौन कौन से ट्राइबल एरिया को फिफ्थ शेड्यूल से निकालकर सिक्स्थ शेड्यूल में डालना है। तो ध्यान रखना है कि फिफ्थ शेड्यूल किसको डील करता है, तो फिफ्थ शेड्यूल जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ द शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब एरिया को डिटरमाइन करता है। उसी के बाद शेड्यूल सिक्स है, सिक्स शेड्यूल में क्या है, तो सिक्स शेड्यूल में आपको पता चलता है कि किन किन और राज्यों में ट्राइब और जो अदर ट्राइब्स हैं उनको किस प्रकार से रूल करना है। जैसे आप पढ़ रहे हो कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ट्राइबल एरियाज इन द स्टेट्स ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, इसमें अरुणाचल प्रदेश नहीं है। इसी में आने के लिए अरुणाचल प्रदेश क्या कर रहा है, पूरा जद्दोजहद कर रहा है कि हम जल्दी से जल्दी शेड्यूल 5 से निकलकर किस में आ जाए, शेड्यूल 6 में आ जाए। चलिए मैं इस चीज को फिर से जोड़ दे रहा हूं, शेड्यूल वन में हमने पढ़ा यूनियन टेरिटोरी एंड स्टेट, शेड्यूल टू में हम लोगों ने पढ़ा, जल्दी बताइए क्या पढ़ा शेड्यूल टू में हम लोगों ने, शेड्यूल थ्री में हमने क्या पढ़ा, शेड्यूल फोर में हमने क्या पढ़ा, फाइव में क्या पढ़ा और सिक्स में क्या पढ़ा, जल्दी जल्दी सब लोग कमेंट कीजिए, मैं देखता हूं कितने लोग क्लास में अभी तक बैठे थे, ठीक है। तो चलिए फिलहाल सवाल आ चुका है सेवेंथ शेड्यूल क्या करता है, तो बाबू सेवेंथ शेड्यूल जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर की बात करता है, मतलब पावर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता है सेवेंथ शेड्यूल, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट। और इसीलिए आपको क्या मिलता है, लिस्ट वन जिसको आप यूनियन लिस्ट बोलते हैं, लिस्ट टू जिसे आप लिस्ट का क्या बोलते हैं, स्टेट लिस्ट बोलते हैं, और लिस्ट थ्री जिसको आप कंकरेंट लिस्ट बोलते हैं। और ये चीज मैंने आपको कल बताया था कि कंकरेंट लिस्ट जो है वो कहां से लिया गया है, कंकरेंट लिस्ट जो है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो यहां तक की चीजें तो आपकी क्लियर है। आठवें शेड्यूल में किसकी चर्चा होती है, तो आठवें शेड्यूल में लैंग्वेज चर्चा होती है, भाषाओं की चर्चा होती है, और आपको पता है कि टोटल कितने भाषाओं को संविधान में चर्चा किया गया है, 22 भाषाओं को हमारे संविधान के आठवें अनुसूची में जगह दी गई है। याद रखना है कि 22 भाषाओं को हमारे संविधान के आठवीं अनुसूची में जगह दी गई है। चलिए आ चुके हैं नौवें शेड्यूल पे हम लोग, नौवां शेड्यूल किसकी बात करता है बाबू, तो नाइन्थ शेड्यूल जो है वो बात करता है एक्ट एंड रेगुलेशन का, ठीक है। कैसा एक्ट एंड रेगुलेशन, जो लैंड रिफॉर्म से जुड़ा हुआ बात करता है। दिमाग में रखिएगा, ये जो नाइन्थ शेड्यूल है इसे संविधान बनने के दिन नहीं बनाया गया था, संविधान बनने
बनने के बाद मतलब 1950 के बाद इसे बनाया गया है 1951 में। जब देश आजाद हो गया तो सरकार को जमीन की जरूरत पड़ी। जब जमीन सरकार लेता था तो आदमी केस कर देता था सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट बोलता था कि भैया आप ही ने तो इनको अधिकार दिया है, राइट टू प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी रखेगा तो क्या दिक्कत है। तो सरकार ने बोला नहीं, राइट टू प्रॉपर्टी इज नॉट ए लीगल राइट, अब ये लीगल राइट नहीं रहने वाला है, वी आर नाउ गोइंग टू मूविंग दिस, हम इसे हटाएंगे, राइट की श्रेणी से हटाएंगे, अधिकारों की श्रेणी से हटाएंगे। तो कहां ले जाइएगा, तो इन्होंने बोला कि इसको ले जाएंगे 300 के ए में, मतलब अनुच्छेद 300 के ए में। और क्या कीजिएगा, आगे कभी इससे रिलेटेड कोई केस ना हो इसके लिए सरकार ने बना दिया 9th शेड्यूल। ध्यान से सुन लो बच्चा लोग, 9th शेड्यूल इतना खतरनाक शेड्यूल था एक समय में कि जो विषय को 9th शेड्यूल में डाल दिया जाता था ना, उसमें सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कुछ भी नहीं कर सकता था। मतलब वो सब्जेक्ट जो 9th शेड्यूल में चल गया उस पे कोर्ट कोई डिसीजन नहीं ले सकता था। लेकिन बाद में 1976 के बाद कोर्ट ने बोला कि वी आर द रियल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हम संविधान को मूल रूप से इंटरप्रेट करने वाले लोग हैं, हम किसी भी चीज को छू सकते हैं। हो सकता है कि आपने 9th शेड्यूल में इस लैंड के क्षेत्र को डाला होगा हमें बरगलाने के लिए, लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, इसलिए हम किसी भी क्षेत्र को छू सकते हैं, ठीक है। तो सरकार ने 9th शेड्यूल बस यही सोचकर बनाया था कि ये कचरा का डब्बा है, इस डब्बे में जो हम डाल देंगे ना सुप्रीम कोर्ट उसका कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन अपने देश में मैंने कई बार बताया है कि सुप्रीम कोर्ट जितना अपना पावरफुल है उतना पावरफुल तो किसी दूसरे देश का सुप्रीम कोर्ट कभी हो ही नहीं सकता है, ठीक है। आइए हम लोग बढ़ चुके हैं 10th शेड्यूल की ओर। 10th शेड्यूल जो है ये राजीव गांधी के शासन काल में लाया गया। 10th शेड्यूल में बेसिकली आप देखते हो कि जब चुनाव का समय होता है ना तो नेता लोग पार्टी बदलना चालू कर देता है, ठीक है। तो यही चीज यहां पर है डिस्क्वालिफिकेशन वाला, जैसे आपने एमपी में देखा होगा, जैसा आपने कर्नाटका में, ये सब रिसेंट का केस मैं आपको बता रहा हूं, गोवा में देखा होगा। तो बेसिकली होता क्या है कि सरकार बननी होती है कांग्रेस की, लेकिन जितना भी एमपी होता है कांग्रेस वाला वो सब क्या करता है, सब कांग्रेस छोड़कर अचानक से आ जाता है बीजेपी में। तो 10th शेड्यूल बेसिकली बात करता है डिस्क्वालिफिकेशन का। 10th शेड्यूल कहता है कि मान लीजिए गोवा में कांग्रेस के 20 उम्मीदवार जीते हैं, अगर इसका 2/3 उम्मीदवार अगर एक बार में बीजेपी में आ जाता है तो इनको डिस्क्वालिफाई नहीं कहेंगे, लेकिन अगर 20 में से 5 उम्मीदवार उठकर चला आता है कि हम बीजेपी में जाएंगे तो इनको डिस्क्वालिफाई कह दिया जाएगा, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसका जीता हुआ सीट बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। तो ये बातें कही है किसमें, 10th शेड्यूल में कही गई है। मतलब 10th शेड्यूल जो बात करता है वो बात करता है एंटी डिफेक्शन लॉ का। अगर कोई गलत तरीके से, मतलब जनता का वोट तो ले लिया, जनता का विश्वास तो वो ले लिया, लेकिन आगे जाकर अगर धोखा कर दे तो इसको आप क्या बोलते हैं, इसको आप बोलते हो एंटी डिफेक्शन लॉ, ओके। अब बात करते हैं 11th शेड्यूल की। बाबू 11th शेड्यूल में बेसिकली पंचायत की बातें होती है। आपको पता होना चाहिए कि 1992 में जो है पंचायत को जोड़ा गया है अपने संविधान से। पंचायत मतलब पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। मैंने पहले भी आपको बताया है कि देश की सरकार तीन तरीके से चलती है, एक होती है सेंट्रल गवर्नमेंट, एक होती है स्टेट गवर्नमेंट और एक होती है पीआरआई, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो अपने यहां 3 टीयर ऑफ गवर्नमेंट है और इसी में एक जो टीयर छूट रहा था 1992 तक वो था पंचायती राज सिस्टम, जिसको 1992 में जोड़ा गया संविधान से। किस शेड्यूल के माध्यम से बाबू, तो ध्यान रखना वो शेड्यूल का नंबर कितना है, 11th शेड्यूल। अब बात करते हैं 12th शेड्यूल की। 12th शेड्यूल के माध्यम से क्या हुआ, देखो गांवों में तो काम करने के लिए पंचायत हो गया, गांवों में लोकल लेवल पे काम करने के लिए पंचायत आ गया, लेकिन शहरों में कौन काम करेगा, हु विल वर्क इन द टाउन्स। तो इन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट ने क्या किया, एक 12वां शेड्यूल बनाया, 12th शेड्यूल बनाया और यहां पर दे दिया म्युनिसिपैलिटीज, नगर पालिका। तभी तो आप लोग के यहां वार्ड काउंसिलर का चुनाव होता है, वोट देते हैं ना, पटना में होता है और भी बहुत सारे टाउन में होता है, सभी टाउन में होता है, गांवों में
पंचायत में पंच बैठते हैं, सरपंच बैठते हैं, जबकि शहरों में कौन बैठते हैं? वार्ड काउंसलर बैठते हैं, वार्ड प्रतिनिधि बैठते हैं, जिनको आप चुनते हैं, है ना। तो ये पूरी की पूरी चीज है। तो मैंने अभी आपको बताया टोटल 12 शेड्यूल, और इन 12 शेड्यूल को यदि आप कर लेते हैं याद, तो एग्जाम में एक नंबर आप पॉकेट में रख के घूमिएगा, क्योंकि कई बार नहीं मैक्सिमम बार इस प्रकार के सवाल शेड्यूल से उठाए जाते हैं। तो चलिए, मैंने एक बहुत बड़ा काम आप लोगों को बता दिया है कि एग्जाम में मैक्सिमम नंबर लाने के लिए क्या करना होगा, शेड्यूल को ढंग से रटना पड़ेगा। सवाल ऐसे पूछता है बाबू कि राष्ट्र भारत में संविधान में जो कुल भाषाएं हैं उनकी संख्या कितनी है, भारत के संविधान में कुल कितनी भाषाओं की चर्चा की गई है, तो 22 भाषाओं की चर्चा की गई है। दूसरा सवाल पूछेगा कि ये जो भाषाएं हैं इनको किस शेड्यूल के अंदर रखा गया है, किस अनुसूची के अंदर रखा गया है, तो ध्यान रखना है इसको 8वीं अनुसूची के अंदर रखा गया है, ठीक है। इसी प्रकार से पूछ देगा कि म्युनिसिपैलिटीज जो आती हैं वो किस शेड्यूल के अंदर आती हैं, तो 12वें शेड्यूल के अंतर्गत आती है। उसके बाद आपसे पूछ सकता है कि भैया ये जो पंचायत वाला सिस्टम है इसको किस अनुसूची में रखा गया है, तो ध्यान रखना है इसको 11वीं अनुसूची में रखी गई है। इसी प्रकार आपसे पूछ सकता है कि एंटी डिफेक्शन लॉ, मतलब बाहर के नेता जो कि एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में एंट्री बांट देते हैं सरकार में मंत्री बनने के लिए, उसको सरकार से बाहर निकालने के लिए जो नियम कानून है उसको किस शेड्यूल में रखा गया है, तो शेड्यूल 10 में रखा गया है। अच्छा, अगर सरकार की कोई ऐसी पॉलिसी है जिसमें सरकार चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट उस पर कोई इंटरफेयर ना करे, तो सरकार उस पॉलिसी को किस में डाल देगा, कौन से कचरे के पेटी में डाल देगा, तो शेड्यूल 9 में डाल देगा, ठीक है। शेड्यूल 8 में लैंग्वेज है, शेड्यूल 1 में आपका स्टेट एंड यूनियन टेरिटोरी है। तो ये सारी चीजें आप लोग को मैंने बता दी है, जो भी खास चीजें हैं आपको इन चीजों को अब ध्यान रखना है, पूरा का पूरा शेड्यूल आप लोगों को रट जाना है। जितने लोग शेड्यूल को रट जाएंगे आज, समझ लीजिए एक नंबर वो जो है ना हर समय किसी भी एग्जाम में जाए पॉकेट में रख के घूमेगा कि 99 क्वेश्चन आए ना आए ये क्वेश्चन तो हम बना के ही आएंगे, मैक्सिमम एग्जामिनेशन में इससे सवाल पूछ दिया जाता है। तो चलिए, शेड्यूल जब बता दिया बाबू मैंने, तो अब मैं शुरू करता हूं पार्ट बाई पार्ट, ठीक है। भारतीय संविधान का जो सबसे पहला पार्ट है उसका नाम है टेरिटोरी ऑफ द यूनियन, ठीक है। मतलब हम लोग बात करने वाले हैं कि राज्य कौन कौन होंगे, किस प्रकार से काम होगा, क्या होगा, नहीं होगा। तो आइए देखते हैं पार्ट वन। तो पार्ट वन में किसकी बात कही गई है, टेरिटोरी एंड यूनियन, या सीधे तौर पर कहा जाए तो स्टेट एंड यूटी, ठीक है, यही है आपका पार्ट वन। तो भाग एक में हम लोग पढ़ेंगे स्टेट एंड यूनियन टेरिटोरी के बारे में क्या क्या है खास, आइए करते हैं शुरू इसमें भी। तो आर्टिकल वन जो है, आर्टिकल 1-4, देखो पार्ट वन के अंदर आर्टिकल 1-4 आता है, ठीक है। आर्टिकल 1-4 तक का जो भी मैटर होगा वो मैटर आता है पार्ट वन में। तो पार्ट वन का आर्टिकल वन क्या कहता है, ध्यान से सुनिए, ये सवाल डायरेक्ट पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आर्टिकल वन कहता है, हमारा संविधान कहता है आर्टिकल वन में जाकर कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, ठीक है। ध्यान रखना है किस शब्दों का प्रयोग किया गया है, इंडिया जो कि भारत है वो राज्यों का एक संघ होगा। देखो मैं हिंदी इंग्लिश दोनों बोल देता हूं, तो बच्चे चाहे जो भी हो अगर वो इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, ओके, ये तो एक लाइन हो गया। दूसरा चीज जो आपको इसमें दिमाग में रखना है कि आर्टिकल वन में ही एक आर्टिकल को और एंट्री दिलाई गई थी, वो आर्टिकल था आर्टिकल 239AA, ठीक है, जिसके माध्यम से किसको एंट्री मिला है 1992 में, दिल्ली को एंट्री मिला है एज अ नेशनल कैपिटल टेरिटोरी ऑफ दिल्ली, ठीक है। तो 239AA किसकी बात करता है, तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र मतलब नेशनल कैपिटल टेरिटोरी दिल्ली के स्थापना की बात करता है। एकदम डायरेक्ट सवाल पूछा गया है कई सारे एग्जाम में कि दिल्ली की स्थापना किस अनुच्छेद के अंदर हुई है, किस आर्टिकल के अंदर हुई है, तो ध्यान रखना है दिल्ली की स्थापना आर्टिकल 239 के AA के
माध्यम से 1992 में की गई है। मतलब दिल्ली एक राज्य कब बना, तो 1992 बना। देखो एक चीज समझो, जब देश आजाद हुआ था 1947 में और जब देश में पहला बार चुनाव हुआ था 1952 में, उस समय दिल्ली को एक राज्य माना गया था। इन 1952 इलेक्शन दिल्ली वाज अ स्टेट, दिल्ली में चुनाव हुआ था, दिल्ली में कांग्रेस के शासित एक मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन 6 से 8 महीना ही सरकार चला पाई थी दिल्ली की, ये कांग्रेस वाली पहली राज्य की सरकार। उसके बाद कांग्रेस के उस मुख्यमंत्री ने बोला था कि दिल्ली में इंडिविजुअल सीएम नहीं चला सकता है सरकार को, रीजन कि सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत प्रेशर होता है, इसलिए ऐसा किया जाए कि दिल्ली को यूनियन टेरिटोरी बना दिया जाए, दिल्ली को केंद्र सरकार के हवाले सौंप दिया जाए। तो दिल्ली पहली बार देश का राज्य नहीं बना है, दिल्ली 1952 में भी भारत का राज्य था, लेकिन 1952 के एंड में दिल्ली को राज्य से हटा दिया गया था, यूटी में डाल दिया गया था। लेकिन 1992 में फिर से बीजेपी वालों ने खूब हल्ला किया, तो 1992 में किसको दिल्ली फिर से बना, आर्टिकल 239AA के माध्यम से। और आपको पता होगा कि जो दिवंगत नेता है जिनकी मृत्यु हो चुकी है, सुषमा स्वराज जी, उनको दिल्ली का पहला मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य हासिल हुआ। ठीक है, इन चीजों को आपको दिमाग में रखना होगा। चलिए भाई, यहां से जब आप आगे बढ़ोगे तो दिल्ली की कहानी तो हो गई। एक और ऐसा राज्य था जो भारत का भाग रहा ही नहीं, 1975 तक सिक्किम वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडिया, 1975 तक सिक्किम भारत का भाग नहीं था। तो भाग नहीं था तो क्या करना है, तो सुनिए, सिक्किम को एक नया स्टेट बनाया गया आफ्टर द लैप्स ऑफ पैरामाउंटेसी। ठीक है, जब पैरामाउंटेसी मतलब भारत के राजा ने सिक्किम से कहा था कि आप हमारे साथ मिलजुल कर रहिए, आपको जो भी सहयोग करना होगा हम सहयोग करेंगे, उस समय सिक्किम के जो राजा थे वो थे चोंग्याल डायनेस्टी के, वो राजा थे चोंग्याल डायनेस्टी के। ठीक है, तो याद रखना है चोंग्याल वंश के वो शासक थे। तो चोंग्याल डायनेस्टी के शासक को भारत ने बोला था कि भैया आप मेरे साथ रहिए, जैसे हम भूटान को मिलिट्री देते हैं, फाइनेंशियल सुविधा देते हैं, वैसे सिक्किम को भी देंगे। तो 1974 तक सब चीज सही चल रहा था, लेकिन 1975 में क्या हुआ कि सिक्किम की जो कांग्रेस की पार्टी थी, सिक्किम कांग्रेस ने यह घोषणा कर दिया कि अब हम भारत में मिलना चाहते हैं, हम भारत में मिलकर अब काम करने वाले हैं, स्पष्ट तौर पे कह दिया गया। तो 35वां संविधान संशोधन किया गया, और 35वां संविधान संशोधन के बाद क्या हुआ बाबू, 35वें संविधान संशोधन के बाद सिक्किम को भारत का एक राज्य बना लिया गया। ध्यान रखना है, यही सवाल पूछा जाएगा और आपको नहीं लगेगा कैसा होना चाहिए था, सिक्किम भारत का राज्य 1975 ईस्वी तक नहीं था। जब 1975 में चोंग्याल किंगडम के राजा जो कि सिक्किम कांग्रेस के प्रभारी थे, उन्होंने बोला कि हम भारत के साथ मिलजुल कर रहना चाहते हैं, भारत में मिलना चाहते हैं, तो 35वां संविधान संशोधन के माध्यम से उसे भारत में मिला लिया गया। यहां तक तो याद रखना है। तो सिक्किम भारत का राज्य कैसे बना, सिक्किम विल बिकम एन एसोसिएट स्टेट बाय आर्टिकल 2A। तो आर्टिकल 2A के माध्यम से सिक्किम को भारत का एक अभिन्न हिस्सा बनाया गया। फिलहाल जब आप आगे बढ़ोगे तो आर्टिकल 1 हो गया। आर्टिकल 1 में आपने पढ़ा स्टेट एंड यूनियन टेरिटोरी का, उसमें नाम लिखा हुआ है। देखो आर्टिकल 1 जो बेसिकली है, आर्टिकल 1 में क्या किया गया है ना कि आर्टिकल 1 में नेम ऑफ, ये 1 है, नेम ऑफ स्टेट एंड यूटी लिखा गया है। ठीक है, आर्टिकल 1 सॉरी आर्टिकल ये 2 है, आर्टिकल 2 है ये, आर्टिकल 1 में लिखा गया इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है, तो इसमें बताया गया है इंडिया जो कि भारत है, इंडिया जो कि भारत है, ठीक है ना, तो ये बताया गया है। आर्टिकल 2 में बताया गया है नेम ऑफ द स्टेट एंड यूटी। आर्टिकल 3 में क्या चर्चा की गई है, तो आर्टिकल 3 में चर्चा की है टू फॉर्म अ न्यू स्टेट बाय द सेपरेशन ऑफ टेरिटोरी, कैसे एक नए राज्य का निर्माण किया जाएगा, इन चीजों की चर्चा की गई है आर्टिकल 3 में। जैसे आपको याद होगा कि रिसेंटली 2014 में तेलंगाना का निर्माण किया गया है, ठीक है ना, और तेलंगाना का निर्माण किससे किया गया है, तो आंध्र प्रदेश से किया गया है। तो सवाल यह है कि तेलंगाना का प्रपोज्ड नेम क्या था, अलग हो रहा था, तो इसका नाम रखा गया था सीमांध्र।
ठीक है, लेकिन बाद में इसका नाम बदलकर कर दिया गया कि नहीं तेलंगाना रखा जाएगा, तो ये चीज को ध्यान रखना है। तो तेलंगाना जो एक नया राज्य बना, वो राज्य किस आर्टिकल के तहत बना, तो वो राज्य बना है आर्टिकल 3 के अंदर, दिमाग में जाना चाहिए। तेलंगाना जो राज्य बना वो किस अनुच्छेद के कारण बना, तो आर्टिकल 3 के कारण वो एक राज्य बना। इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट, मान लीजिए अगर किसी राज्य के क्षेत्रफल को बढ़ाना है या किसी राज्य के क्षेत्रफल को घटाना है, तो ये जो नाम किसी नए राज्य का निर्माण करना हो या उसके क्षेत्रफल को बढ़ाना हो या उसका क्षेत्रफल को घटाना हो या उसका नाम को बदलना हो, जो काम भी होगा वो सारा का सारा काम जो होगा वो किसके माध्यम से होगा, आर्टिकल 3 के माध्यम से होगा। दिमाग में घुसाइए, आर्टिकल 1 में लिखा है इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, आर्टिकल 2 में लिखा हुआ है स्टेट एंड यूनियन टेरिटोरी लिस्ट कि टोटल 28 राज्य हैं, सॉरी अब तो हाँ 28 राज्य बचे हैं, 28 राज्य हैं, टोटल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब इन चीजों को आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, ये चीजें किसमें है, आर्टिकल 2 में है। और आर्टिकल 3 बात करता है फॉर्मेशन ऑफ स्टेट का कि यदि नया राज्य बनेगा तो किसके अंतर्गत बनेगा, आर्टिकल 3 के अंतर्गत बनेगा। नया राज्य का सीमा बड़ा होगा, एरिया छोटा होगा, क्या होगा, जो भी होगा आर्टिकल 3 के अंतर्गत ही होगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। दिमाग में इन चीजों को भी आपको रखना चाहिए, ठीक है। तो आर्टिकल 1, 2, 3 मैंने समझा दिया है, आइए लेकर जल्दी सा चलते हैं आगे की ओर। अब जब आगे आप बढ़ोगे तो आपको पता है कि बिकॉज इंडिया इज अ सॉवरिन नेशन, मैंने पहले ही बताया है कि इंडिया एक सॉवरिन नेशन है, भारत पे किसी दूसरे देश का दबाव नहीं है। ऐसा नहीं है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे ऊपर दबाव डालेगा या अमेरिका हमारे ऊपर दबाव डालेगा, भारत पर किसी का दबाव नहीं है। वी आर फ्री टू टेक ऑन डिसीजन, हम अपने डिसीजन को लेने के लिए स्वतंत्र हैं, ठीक है ना। इसलिए आर्टिकल 4 क्या बोलता है, ये आर्टिकल 4 स्पष्ट तौर पे बोलता है कि बिकॉज इंडिया इज अ सॉवरिन नेशन, इसलिए भारत, ध्यान से सुनो, क्योंकि भारत एक सॉवरिन नेशन है इसलिए भारत किसी भी इंटरनेशनल लॉ को फॉलो तो करता ही है, साथ ही साथ वो इंटरनेशनल लॉ को फॉलो करने से मना कर सकता है और किसी भी पार्ट को, किसी भी विदेशी एरिया को एक्विजिशन कर सकता है, हड़प सकता है। यदि भारत चाहे तो पूरे नेपाल को हड़प सकता है, यदि भारत चाहे तो पूरे भूटान को हड़प सकता है, पूरा चाइना हड़प सकता है और पूरा बांग्लादेश और पाकिस्तान भी भारत हड़प सकता है। तो भारत की हड़पने की शक्तियां कहां से आई हैं, तो आर्टिकल 4 में स्पष्ट तौर पे लिखा गया है कि इंडिया एक सॉवरिन नेशन है और वैसा सॉवरिन नेशन जो किसी भी बाहरी राज्य को हड़पने का, किसी भी बाहरी देश को हड़पने की शक्ति रखता है। और भारत ने ऐसा किया भी है, भारत ने दादर नगर हवेली, पुडुचेरी, गोवा, ये सब क्या है, हमको कोई दिया था, हड़पे हैं लड़के पुर्तगालियों से, फ्रांसीसियों से, किसी ने हमको गोवा नहीं दिया, पुडुचेरी नहीं दिया, दादर नगर हवेली नहीं दिया, हम लोगों ने हड़पा, हम लोगों ने छीना। तो भारत किसी दूसरे देश के क्षेत्र को छीन सकता है या किसी भी एरिया को हड़प सकता है, किस आर्टिकल के अंतर्गत, तो आर्टिकल 4 के अंतर्गत। आई होप सो कि आप पूरा का पूरा फैक्ट समझ रहे होंगे कि क्या चीजें हो रही है और क्या चीजें यहां पर होनी चाहिए। तो आप इन बातों को भी समझ चुके हो कि अगर भारत में एक नया राज्य बनाना है तो आर्टिकल 2, 3 और 4 का क्या इंपॉर्टेंस है। आप ये भी समझ चुके हो कि पार्लियामेंट्री ये काम कर सकता है और आपको ये पहले से पता है कि नया राज्य का फॉर्मेशन तब तक नहीं होगा जब तक कि राष्ट्रपति उस पे सिग्नेचर नहीं करेगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है आर्टिकल 4 को, मैं यहां पर भी एक अच्छे तरीके से एक एग्जांपल के माध्यम से आपको बता दे रहा हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आर्टिकल 4 बोलता है कि आर्टिकल 2 और 3 के माध्यम से ही नए राज्य का निर्माण किया जा सकता है। वो नया राज्य या तो विदेश से हड़पा हुआ होगा या तो भारत में से किसी एक राज्य से निकाला गया होगा जिसका एरिया कम या बेसी किया जाएगा। जैसे बंगाल की मुख्यमंत्री जो है ना, ममता बनर्जी, उन्होंने कहा है कि पश्चिम बंगाल का नाम वेस्ट बंगाल से बदल देंगे और केवल बंगाल कर देंगे। क्यों? क्योंकि उनको बोलने का मौका नहीं मिलता है जब राज्यों की मीटिंग होती है, क्योंकि वेस्ट बंगाल की स्पेलिंग W से शुरू होती है।
तो इनका नंबर सबसे अंतिम में आता है और आपको पता है कि अंतिम वाले को ना तो कोई सुनता है और ना ही उसको बोलने का कोई समय दिया जाता है। इसलिए इन्होंने बोला है कि भैया मेरा नाम वेस्ट बंगाल से, अब बंगाल कर दो, ठीक है, बी से हो जाएगा तो हमको बोलने का पहले मौका मिल जाएगा, हम मन भर बोलेंगे, हम पेट भर बोलेंगे। तो इस चीज को आप कैसे कर सकते हो, आप इसका नाम कैसे चेंज कर सकते हो? तो ध्यान रखना है कि यदि किसी राज्य का नाम चेंज करना है तो वो नाम चेंज करने के लिए भी आपको किस आर्टिकल पे जाना पड़ेगा, आपको किस आर्टिकल पे जाना पड़ेगा बाबू? तो आपको जाना पड़ेगा आर्टिकल 3 पर, नॉट आर्टिकल 4। आर्टिकल 3 में लिखा हुआ चेंज इन द नेम ऑफ द स्टेट, अगर किसी राज्य के नाम को बदलना है तो आर्टिकल 3 का सहारा लेना पड़ेगा। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है कि आर्टिकल 2 और 3 मिलेगा तो ही आर्टिकल 4 सक्सेसफुल होगा, नहीं तो नहीं होगा। अच्छा, एक चीज और आपको जानना चाहिए, अपने संविधान में यह कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि क्या भारत अपने लैंड को किसी दूसरे देश को दे सकता है या नहीं दे सकता है। अपने संविधान में यह कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है कि क्या भारत अपने देश को किसी दूसरे अपने देश के क्षेत्र को किसी दूसरे देश को दे सकता है कि नहीं दे सकता है। तो इसका सही जवाब यह है कि जी बिल्कुल नहीं दे सकता है, क्योंकि अपने संविधान में कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि हम पाकिस्तान को अपने क्षेत्र को दे दें, ठीक है। लेकिन 1960 में एक बार ऐसी स्थिति बनी थी तो राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगा था और राष्ट्रपति के इस सलाह के बाद जो है ना कार्यक्रम शुरू हुआ था, ठीक है। अब क्या है पूरी की पूरी स्थिति, आइए चलिए जल्दी से समझते हैं इस केस को। देखिए, एक बार अपने संविधान के सामने ऐसा प्रश्न आ गया था कि क्या भारत अपने क्षेत्र को किसी दूसरे देश को दे सकता है कि नहीं। आप पढ़ रहे हो ट्रांसफर इट टू फॉरेन कंट्री, दिस क्वेश्चन रेजेस इन सुप्रीम कोर्ट इन 1960। 1960 में पूछा गया, कब? जब प्रेसिडेंट ने सुप्रीम कोर्ट से पूछा कि मेरे को आप सलाह दो कि क्या इसमें ऐसा कुछ हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ठीक है। तो कहा गया, द पार्लियामेंट हैव नॉट मच पावर दैट बाई द आर्टिकल 3 ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। तो पार्लियामेंट के पास इतनी शक्ति तो नहीं है कि पार्लियामेंट चाह ले और पार्लियामेंट चाह के क्या कर दे, सुप्रीम पार्लियामेंट चाहकर अपने देश की क्षेत्रफल को किसी और दूसरे देश को दे दे, ठीक है। तो क्या कहा जाए, तो इसमें यह बातें कही गई कि अगर आर्टिकल 368 को अप्लाई किया जाए, मतलब संशोधन अगर अप्लाई किया जाए, तो जी हां यह चीजें पॉसिबल और यह चीजें बिल्कुल पॉसिबल है यदि इसको अप्लाई किया जाए तो, ठीक है। इसी चीज में और आगे जब बढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये एक ऐसा मुद्दा है जो कि एक विवादित मुद्दा है और इस विवादित मुद्दे को सॉल्व करने का बस एक ही तरीका है, इस विवादित मुद्दे को सॉल्व करने का एकमात्र तरीका यही है कि जो सरकार है वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटी बनाए, मतलब कि एक आईएएस ऑफिसर्स की एक कमिटी बनाए और ये जो कमिटी होगी वो कमिटी जो होगी वही ये सारा का सारा डिसीजन लेगी। अब मैं आपको बता रहा हूं कि भारत में कितना युद्ध हुआ है राज्यों के निर्माण के लिए। आपको पता है, कौन भूल सकता है श्री रामलू जी को। श्री रामलू वो पहले ऐसे बंदे थे जिन्होंने आंध्र प्रदेश के विकास के लिए अपने जान को दे दी। आंध्र प्रदेश पहले मद्रास प्रोविंस में आया करता था। श्री रामलू ने बोला कि मुझे भाषा के आधार पर एक राज्य चाहिए जिसका नाम होगा आंध्र प्रदेश, लेकिन सरकार ने नहीं दिया। अंत में लंबे अनशन के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है और सरकार कई प्रकार की कमिटियों का निर्माण करना शुरू करती है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले उस कमिटी की रिपोर्ट की जिसने रिपोर्ट दिया था कि भाषा के आधार पर नए राज्यों का निर्माण नहीं होना चाहिए। दिस कमिटी वॉज अपॉइंटेड बाई दी दैट टाइम प्राइम मिनिस्टर, द कमिटी नेम वॉज, और उस कमिटी का नाम था धर कमिटी, ठीक है, धर कमीशन। देखो धर कमीशन जो है एसके धर की एक कमिटी थी। एसके धर कमिटी ने साफ तौर पे बोला था कि ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज इन जून 1948 एसके धर कमिटी अपॉइंटेड फॉर दिस, बट द कमिटी सजेस्टेड दैट द न्यू स्टेट शुड बी फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ रूलिंग, रूल के हिसाब से करना चाहिए, बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से एक नया राज्य का निर्माण करना चाहिए, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। तो नए राज्य का निर्माण भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए। नए राज्य का निर्माण जो होना चाहिए वो किस आधार पर होना चाहिए, तो नए राज्य का निर्माण बाबू होना चाहिए किस आधार पर, तो वो आधार होना चाहिए रूलिंग। अगर रूलिंग नहीं कर पा रहे हैं, जैसे उत्तर प्रदेश से कुछ दिन पहले एक स्टेटमेंट आया था कि उत्तर प्रदेश में ठीक से रूलिंग नहीं
हो पा रही है। तो अगर उत्तर प्रदेश में ढंग से रूलिंग नहीं हो पा रही है तो उस केस में क्या करना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश को दो भागों में तोड़ना होगा। लेकिन भाषा के आधार पर आप मत तोड़िए, यह बात किसने बोली थी? एसके धर कमीशन ने बोली थी। जब एसके धर कमीशन की रिपोर्ट बेकार हो गई फिर भी वहां देखा गया कि हैदराबाद में विरोध प्रदर्शन हो रहा है तो जेपीबी कमेटी बनाई गई। ठीक है, जेपीबी कमेटी का फुल फॉर्म होता है जवाहर पट्टा भाई सीतारमैया, पट्टा भाई सीतारमैया सिद्धारमैया, ठीक है, और एक हो गया आपके भी से वल्लभ भाई पटेल। तो ये कमेटी बनाई गई, जेपीबी कमेटी बनाई। जेपीबी कमेटी ने भी स्पष्ट तौर पे इसी बात को कह दिया कि नहीं सर, आप रूलिंग के हिसाब से ही आप इसे अलग कीजिए, आप जो है भाषा के आधार पर नए राज्य का निर्माण नहीं कर सकते हैं। जब इतना सारा इशू बन गया ना बाबू, तो अंत में एक चीज फाइनल हो गया था कि अब श्री रामलु जी की मृत्यु होने वाली है। क्योंकि जेपीबी कमेटी ने जब अपनी रिपोर्ट दी, इसी के कुछ दिनों के बाद समझ सुनने में आया कि डेथ हो चुकी है श्री रामलु जी की। श्री रामलु वही है जो कि एक टॉप लीडर है आंध्र प्रदेश में, जो आंध्र प्रदेश की मांग कर रहे थे। तो वहां पर दंगा भड़कने का एक चांसेस था, इसलिए सरकार ने तुरंत क्या किया, फजल अली कमीशन की रिपोर्ट बना दी। सरकार ने क्या किया, तुरंत फजल अली कमीशन की एक कमेटी बना दी। और फजल अली कमेटी ने क्या किया, अपने रिपोर्ट में बना कि यदि बहुत जरूरी हो, ध्यान से सुनिए, फजल अली कमीशन ने बोला कि यदि बहुत जरूरी हो तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, भाषा के आधार पर भी नए राज्य का निर्माण कर सकते हो। लेकिन केवल भाषा के आधार पर ही राज्यों का निर्माण नहीं होना चाहिए, क्योंकि भैया भारत में 6000 से भी अधिक भाषाएं बोली जाती है, तब तो 6000 से भी अधिक स्टेट हो जाएगा। इसलिए फजल अली कमीशन ने स्पष्ट तौर पर कह दिया, इन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि भाषा के आधार पर राज्य बनाए जा सकते हैं, लेकिन बहुत सारे चीजों को देखना चाहिए, उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट को यह निर्णय लेना चाहिए। ठीक है, तो आपको मेरे हिसाब से अब लैंग्वेज का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लैंग्वेज की सारी समस्याएं जो है वो समझ में आ चुकी है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अभी जो मैं टॉपिक उठा रहा हूं वो अभी का सबसे हॉट टॉपिक है, जो हर दिन न्यूज में रहता है। बीजेपी वालों ने इसको एकदम न्यूज बना दिया है, सुर्खियों में डाल दिया है, तो बहुत ही काम का टॉपिक है। ठीक है, टॉपिक का नाम आप देख रहे हो सिटीजनशिप, सबसे विवादित टॉपिक जिसका हिंदी होता है नागरिकता। तो आइए नागरिकता को उठाते हैं और नागरिकता के जो भी कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग समझने का काम करते हैं। बाबू अगर सिटीजनशिप की बात करें, अगर इंडियन सिटीजनशिप आपको चाहिए, यदि किसी विदेशी व्यक्ति को भारत की नागरिकता चाहिए तो उसे क्या क्या करना पड़ेगा, पहले इन चीजों को आप समझिए। पहले तो भारत जो है उस देश में सिंगल सिटीजनशिप चलता है, इस देश में दोहरी नागरिकता किसी की नहीं हो सकती है, इस देश में एकल नागरिकता का ही प्रस्ताव है, मतलब एक से अधिक नागरिकता किसी नागरिक की नहीं हो सकती है, दिमाग में घुसा लीजिए। जो दूसरी बात है कि अपने यहाँ जो है ना सिटीजनशिप को तीन कैटेगरीज में बांटा गया है। अपने यहाँ की जो सिटीजनशिप है, नागरिकता जो है वो लेने के जो नियम है, उसको तीन भागों में बांटा गया। देखो क्या क्या होता है, पहला पर्सन डोमिसाइल्ड इन इंडिया, मतलब वैसा बंदा जो भारत में ही रह रहा है, भारत का ही डोमिसाइल है, उसे तो भारत की नागरिकता मिलनी ही मिलनी है। दूसरा है रेफ्यूजीज हु माइग्रेटेड इन इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, मतलब वैसा रेफ्यूजी जो कि क्या कर गया है, माइग्रेट कर गया था इंडिया से पाकिस्तान के लिए, अगर वो वापस आ गया होगा 1956 के पहले तो उसको भी हम भारतीय नागरिकता दे देंगे। और तीसरा है इंडियन लिविंग इन अदर कंट्रीज, तो जो भारतीय अन्य देशों में भी रह रहे हैं, यदि उन्होंने भारत की नागरिकता नहीं छोड़ी है तो वो भी भारतीय नागरिक हैं। तो आपको तीन चीजें दिमाग में गई कि भारत में तीन प्रकार से सिटीजनशिप को बरकरार रखा गया है। पहला पर्सन डोमिसाइल्ड इन इंडिया, जो बंदा शुरू से रह रहा है यहीं पर तो वो तो भाई रहेगा ही रहेगा इसमें। दूसरी बात है रेफ्यूजीज हु माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, मतलब वैसे लोग जो कि इंडिया टू पाकिस्तान चले गए, बाद में यहां रिटर्न आ गए। और तीसरा है इंडियंस लिविंग इन अदर कंट्री, जैसे कोई अगर अमेरिका में जाके रह रहा है लेकिन अपने भारत के नागरिकता को नहीं छोड़ा है तो वो भी भारत का नागरिक है। तीसरा क्या है, सिटीजनशिप एक्ट 1995, इसमें बताया
बताया गया है कि कैसे कोई बंदा अपने सिटीजनशिप को एक्विजिशन कर सकता है, मतलब पा सकता है, और कैसे कोई बंदा अपने सिटीजनशिप को छोड़ सकता है, मतलब तीसरा तरीका है सिटीजनशिप एक्ट 1995, जिसमें बताया गया है कि सिटीजनशिप कैसे प्राप्त कर सकते हैं और सिटीजनशिप कैसे छोड़ सकते हैं। एक चीज और ध्यान रखिएगा, मैंने एकदम शुरू में ही बताया था कि इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप ही वैलिड है, लेकिन कुछ पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन जो कि दूसरे देशों में रह रहे हैं उनको ड्यूअल सिटीजनशिप अलाउड किया गया है। फिर से सुन लीजिए, कुछ पर्संस ऑफ इंडियन ओरिजिन जो कि विदेश में रह रहे हैं लेकिन बहुत बड़े बंदे हैं, बहुत बड़े ब्रांडेड पर्संस हैं, अमीर लोग हैं सीधे तौर पे अगर कहा जाए, तो उन लोगों को ड्यूअल सिटीजनशिप ग्रांटेड किया गया है कि वो वहां के भी नागरिक हैं और यहां के भी नागरिक हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां तक आप लोग याद रखिएगा, सिटीजनशिप का सारा कॉन्सेप्ट मैं आपको अच्छे तरीके से समझाता जा रहा हूं। अब देखो, मैंने आपको बताया था कि सिटीजनशिप पाने का और खोने का दो तरीका होता है, तो सिटीजनशिप पाने का क्या क्या तरीका है, खोने का क्या क्या तरीका है, दोनों तरीका समझिए। हम बात कर रहे हैं एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप, कि आप कैसे सिटीजनशिप को एक्विज कर सकते हो, कैसे आप सिटीजनशिप को ऑब्टेन कर सकते हो। तो देखो, बाय बर्थ यदि आपका जन्म ही भारत में हुआ है तो आप भारतीय सिटीजनशिप हो। तो मेरे को याद आ रहा है 2016 का आईपीएल, जिसमें मुंबई इंडियंस के फील्डिंग कोच थे जॉन्टी रोड्स। जॉन्टी रोड्स को इंडियन अस्पताल मुंबई में एक बेटी हुई जिसका नाम उन्होंने रख दिया इंडिया। तो इंडिया का जन्म तो हुआ इंडिया में, लेकिन इंडिया किसकी बेटी है, जॉन्टी रोड्स की। जॉन्टी रोड्स साउथ अफ्रीका के रहने वाले हैं, तो क्या बाय बर्थ के हिसाब से जॉन्टी रोड्स की पुत्री इंडिया को इंडियन सिटीजनशिप दे दिया जाए, तो जी नहीं, इन चीजों पर प्रतिबंध है। जिनके माता और पिता या माता या पिता में से कोई एक भारत के रहने वाले हो, या उनका कोई भी खानदान जो है वो अपने भारत से अगर बिलोंग करता होगा, तो ही बाय बर्थ उसे सिटीजनशिप दिया जाएगा। फॉरेन पर्संस को बाय बर्थ सिटीजनशिप अलाउड नहीं है। मेरे को एक और कहानी याद आ रही है, ये दूसरी कहानी जुड़ी हुई है ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के बीच में, ठीक है। कहानी ये है कि अमेरिका से एक दंपत्ति निकला, एक कपल निकला, चलते हैं भाई थोड़ा ऑस्ट्रेलिया घूमने के लिए। तो ऑस्ट्रेलिया में जैसे ही प्लेन उनकी एंट्री मारी ना, ऑस्ट्रेलिया में ही उनको एक बच्चे का जन्म हो गया, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट ने क्या किया, उस बच्चे को ऑस्ट्रेलिया का भी सिटीजनशिप दे दिया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में सिंगल सिटीजनशिप है, अमेरिका में तो डुअल सिटीजनशिप है, लेकिन यहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप था। तब भी मतलब कि एक प्रकार से उन्होंने एक अच्छा बात दिखाया, उन्होंने बताया कि हाउ मच वी आर ग्रेट, बस यही चीज दिखाना था ऑस्ट्रेलिया के लोगों को। और जो फ्लाइट की कंपनी थी उसने भी क्या किया, क्योंकि बच्चे का जन्म फ्लाइट में हुआ था, तो उस कंपनी ने बोला कि अगर इस फ्लाइट से बच्चा जिंदगी भर घूमना चाहेगा ना, हम फ्री में घुमाएंगे, ठीक है। तो आप लोग आगे की कहानी समझ चुके होंगे कि किसी को जिंदगी भर का फ्री का पास दिलवाना है तो क्या करना है। एक्विजिशन की बात मैं कर रहा था, तो बाय बर्थ आप एक्विजिशन कर सकते हो सिटीजनशिप का, बाय डिसेंट आप कर सकते हो, बाय रजिस्ट्रेशन जैसे अदनान सामी रजिस्ट्रेशन लिया उन्होंने, बाय नेचुरलाइजेशन आप कर सकते हो। नेचुरलाइजेशन क्या है, अभी सरकार नेचुरलाइज ही तो कर रही है ना, कि बुद्धिज्म अगर पाकिस्तान से आए, जैनिज्म अगर पाकिस्तान से आए, हिंदुइज्म अगर पाकिस्तान से आए, तो उन लोगों को हम नागरिकता देंगे, दैट इज कॉल्ड नेचुरलाइजेशन। सरकार क्या कर रही है, प्रकृतिकरण ही कर रही है बीजेपी की गवर्नमेंट इसमें। इसके बाद क्या है, बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटोरी। ये इतनी सारी चीजें, अगर भारत किसी देश के क्षेत्र को हड़प ले तो निश्चित रूप से वो हमारा क्षेत्र है, तो वहां के लोग भी हमारे हो गए, ठीक है। तो ये पांच ऐसी विधियां हैं बाबू, जिसके माध्यम से ये पूरा का पूरा जो है ना वो ये पूरा का पूरा कार्यक्रम चल रहा है। मैं आप लोगों के रिक्वेस्ट को समझ पा रहा हूं, आप एकदम रिलैक्स रहिए, ये सारी चीजें आप लोगों तक पहुंचा दी जाएगी, आप एकदम रिलैक्स रहे, ठीक है। चलिए भाई, अब हम लोग ये तो जान गए हैं कि सिटीजनशिप को एक्विजिशन कैसे किया जाता है, क्या क्या तरीका है सिटीजनशिप पाने का। अब अगला चीज बता रहे हैं हम कि आखिर सिटीजनशिप खोने का क्या क्या तरीका है, क्या करेंगे तो सिटीजनशिप चला जाएगा। तो बाबू अपने यहां आर्टिकल 9, आर्टिकल 10 और आर्टिकल 11 जो है ना, ये तीन आर्टिकल बताता है सिटीजनशिप खोने के तरीके को। देखे कि आर्टिकल 9 बताता है बाय रेनन्सिएशन, आर्टिकल 10 है बाय टर्मिनेशन, और आर्टिकल 11 है बाय डेप्रिसिएशन। अब ये क्या होता है रेनन्सिएशन, टर्मिनेशन एंड डेप्रिसिएशन, बहुत आसान है, इसलिए इसको हम आएंगे आपको अगले स्लाइड पे, जो कि एकदम नियरेस्ट स्लाइड है, ठीक है। फिलहाल आप यही जानिए
कि जो भारत की जो जनता है, जो भारत की आबादी है, उसे दो भागों में बांटा गया है। एक को आप बोलते हो सिटीजन और एक को आप बोलते हो अलायन, ठीक है ना। और इसलिए भारत के सिटीजनशिप के पास वो प्रत्येक राइट है जो कि फंडामेंटल राइट और जॉब्स के अंतर्गत आती है। फिलहाल मैं बात कर रहा था आरटीडी की, कि वो कौन कौन से तरीके हैं जिससे आप अपने नागरिकता को खो सकते हो। तो चलिए वो आ चुका है। आप देखो कि आर्टिकल 9 जो है वो रेनंसिएशन की बात करता है, और रेनंसिएशन में बेसिकली क्या हम लोग देख रहे हैं कि वॉलंटरी लीव ऑफ द सिटीजनशिप, आप इच्छा से अपने नागरिकता को त्याग कर दीजिए। इट इज इन आर्टिकल 9। आर्टिकल 9 में क्या लिखा गया है कि आप अपने इच्छा से नागरिकता का त्याग कर दीजिए। आर्टिकल 10 टर्मिनेशन है, टेक सिटीजनशिप ऑफ द अनदर नेशन, अगले देश की आप नागरिकता ले लीजिए। और आर्टिकल 11 है डेप्रिसिएशन, डेप्रिवेशन, जिसका मतलब होता है गवर्नमेंट टेक द सिटीजनशिप, सरकार नागरिकता छीन लेगी। पूरी बात को समझिए। पहला तरीका है सिटीजनशिप खोने का, वो तरीका ये है कि अगर आप अमेरिका जाकर अमेरिका की नागरिकता ले लिए हैं तो आपको भारत की नागरिकता छोड़ देनी चाहिए। आपने छोड़ दिया कि हम भारत के नागरिक नहीं हैं। इट इज कॉल्ड रेनंसिएशन विच इज गिवन अंडर आर्टिकल 9। एंड द नेक्स्ट वन इज आर्टिकल 10 विच कम्स अंडर द टर्मिनेशन। द वर्ड टर्मिनेशन मीन्स द टेक सिटीजनशिप ऑफ अनदर नेशन, ठीक है। यदि आप किसी देश की नागरिकता जैसे ही लेते हैं, मान लीजिए कि मैंने कनाडा की नागरिकता ले ली है, वैसे ही आपका इंडिया का नागरिकता ऑलरेडी खत्म हो जाएगा। यू आर नॉट नाउ द सिटीजन ऑफ इंडिया। ये खुद ब खुद हो जाता है। एक में क्या हुआ, आपने दूसरे देश की नागरिकता ली और अपने देश की नागरिकता छोड़ दी। दूसरे में क्या हुआ कि आपने दूसरे देश की नागरिकता ली, अपने देश की नागरिकता छोड़ी नहीं, तब भी आपकी नागरिकता खत्म हो गई। सरकार को नहीं पता है कि आपने लिया है, लेकिन ऑटोमेटिक मान लिया जाता है कि जिस दिन आपने कनाडा की नागरिकता ली या किसी भी देश की नागरिकता ली, आपकी नागरिकता हो गई खत्म। और तीसरा चीज है गवर्नमेंट टेक द सिटीजनशिप, सरकार नागरिकता छीन लेती है, ठीक है। जैसे कोई राष्ट्रद्रोही है, राष्ट्र के बारे में कुछ उल्टा पुल्टा बोलता है, झंडे के बारे में कुछ गलत कहता है या राष्ट्रगान का अपमान करता है, तो सरकार क्या करती है, उससे नागरिकता छीन लेती है, कर्व कर लेती है। इसे कहते हैं डेप्रिवेशन। तो आपको समझ में आ चुका होगा कि पूरा का पूरा ये खेल क्या है, कैसे कैसे नागरिकता मिलती है और कैसे कैसे नागरिकता जाती है। आपको ये सारी की सारी चीजें जो है वो आपके दिमाग में चली गई होगी, ठीक है। तो ये सब चीजों को दिमाग में रखना है। तो मैंने ये बताया कि भारत में नागरिकता कैसे मिलती है। तो ध्यान रखिएगा कि अगर भारत के बाहर के लोग अगर भारत में नागरिकता चाहते हैं तो उनको सबसे पहले 7 साल भारत में गुजारना होगा। और यदि किसी को रजिस्ट्रेशन के माध्यम से अगर सिटीजनशिप चाहिए तो मस्ट बी लिव इन इंडिया 7 ईयर बिफोर द रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन से 7 साल पहले से उसे भारत में रहना होता है। जैसे अदनान सामी पिछले बहुत दिनों से भारत में रह रहे थे, इसलिए उनको सिटीजनशिप दे दिया गया। तो अगर किसी को रजिस्ट्रेशन के साथ भारत में राजनीति चाहिए तो 7 साल तक वो वीजा के हिसाब से भारत में रहेगा। 7 साल तक भारत की सरकार को पता चल गया किसके खिलाफ कोई केस नहीं है, ये गलत आदमी नहीं है, तब ये अप्लाई करेगा रजिस्ट्रेशन के लिए। सरकार को लगेगा कि हाँ इसको दे देना चाहिए, तो सरकार क्या करेगी, इसकी नागरिकता जो है कि नहीं बहाल कर देगी। उसके बाद एनी पर्सन हु मैरिड विद इंडियन, यदि कोई भारतीय के साथ शादी कर ले तो भी उसे नागरिकता दी जा सकती है। लेकिन मैंने 2 दिन पहले एक केस बताया था कि नेपाली एक औरत थी जिन्होंने सीतामढ़ी से पंचायत का चुनाव लड़ा और पंच बन गई, लेकिन हाई कोर्ट ने उसे नल एंड वॉइड कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने शादी किया इंडियन से, बात सही है, लेकिन क्या कोर्ट में उसने हलफनामा दिया, क्या कोर्ट में उसने कोई अपनी कोई जानकारी दी कि हां सर मैंने एक भारतीय से शादी की है, अब मेरे को यहां की नागरिकता चाहिए, तो उन्होंने यह नहीं किया था, इसलिए उनका पंच का सीट चला गया। तो दिमाग में रखना है कि अगर बाहर का आदमी यहां आए, शादी कर ले, तो नागरिक तो बन चुका है, लेकिन पेपर पे नागरिक तब बनेगा जब वो कोर्ट में एक पेपर दे कि हां मैंने शादी किया है, ये मेरा प्रूफ रहा, ठीक है। और अगला है इंडियन सिटीजन अनवांटेड चाइल्ड। अगर किसी भारतीय का अनवांटेड चाइल्ड है तो उसे भी भारतीय नागरिकता दे दी जाती है, क्योंकि वो बच्चा जिसका ना कोई बाप है ना कोई माए है, वो किस प्रकार से जीवित रहे, वो एक बहुत बड़ी समस्या है। तो बाबू आज के क्लास में बस इतना ही रख पाएंगे हम, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसके लिए हम लोगों को स्पेशल सेशन चाहिए। तो एक रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट बस इतना ही है कि जब वीडियो देखें तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अगर कुछ गलती अगर हो जाती है, कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो बताने का कष्ट करें। थैंक यू, थैंक्स एवरीवन, थैंक यू।